एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स विजुलाइज इंडिया। यहाँ पर हम लोग आज क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे और इस चैप्टर के अंदर हम लोग काफ़ी सारी नई चीज़ों को सीखेंगे। और दूसरा चीज़ ये कि यहाँ पर हम लोग विजुलाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं। विजुअलाइजेशन से होता क्या है कि आपके जो दिमाग होता है ना बच्चों, वो इमेजेस को अच्छे से कैप्चर कर पाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आप इजीली इस चैप्टर को समझ भी पाएंगे और दूसरा आप इसको आंसर भी कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। सी, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। अब देखो, रिसोर्सेज जो हैं हमारे, इसमें सबसे पहला रिसोर्स है हमारे पास सन। सन क्या करता है बच्चों? सन हमें लाइट देता है और लाइट की वजह से क्या होता है, हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं, प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं और हम हमारे डे टू डे वर्क्स को भी फॉलो कर पाते हैं। अगर सन नहीं होगा, सपोज करो एक दिन के लिए सन नहीं होगा, तो क्या होगा, पूरा की पूरा वर्ल्ड किस में आ जाएगा, अंधेरे में आ जाएगा। सो हम ना किसी को देख पाएंगे ना कुछ पर कर पाएंगे। तो सन क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक रिसोर्स है। नेक्स्ट हमारा एयर। एयर हमारे लिए रिसोर्स कैसे है, देखो एयर से क्या होता है, हम ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग इसके सब्सटेंसेस में, तो वो उस तरीके से भी यूज़ में आता है। दूसरा हमारे लिए जो ऑक्सीजन है वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, बिकॉज हम लोग सांस लेते हैं तो हमें सांस लेने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, ऑक्सीजन की, राइट। इसके अलावा भी जो बहुत सारी गैसेस होती हैं जो इसमें प्रेजेंट होती हैं वो भी हमारे लिए यूजफुल होती हैं। सो ये हो गया एयर। नेक्स्ट है हमारा लैंड। देखो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं वो सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं, लैंड पर ही तो हैं। लाइक हाउस हो गया, राइट, यस। जैसे देखो यहाँ पे हाउस हो गया, यहाँ पर एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, आप लोगों की लैंड के ऊपर है। तो बेसिकली लैंड क्या है, हमारे लिए रिसोर्स है। अब इस लैंड को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर लेते हैं। अलग अलग तरीके का मतलब क्या है जी, अलग अलग तरीके से मतलब है कि कभी हमने इसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया, कभी हमने इसको पॉन्ड्स बनाने के लिए यूज़ में लिया, कभी हमने इस पर होम बनाने के लिए इसको यूज़ लिया, कभी हम लोगों ने ट्रीज़ को प्लांट करने के लिए इसको यूज़ लिया, कभी हम लोगों ने एनिमल को ग्रेस करने के लिए इसको यूज़ में लिया। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं जिसके जिसमें हमारा जो लैंड है वो क्या करता है, काम करता है, राइट। अब देखो नेक्स्ट जो है हमारा वो है एनिमल। एनिमल क्या करता है भाई, देखो एनिमल रिसोर्स कैसे है, देखो आप एनिमल से अलग अलग डिशेस भी बनाते हो, पहला खाने में काम आता है। दूसरा एनिमल्स जो होते हैं वो इकोसिस्टम बैलेंस करते हैं। इकोसिस्टम को हम अभी इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना समझो कि ये इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। इसके अलावा जो हमारे एनिमल्स हैं उनसे हमें दूध मिलता है, उस दूध को भी हम अलग अलग रिसोर्सेज उससे भी बना लेते हैं, लाइक मक्खन, घी, घी। तो ये सारे भी क्या हो गए, उसके बाय प्रोडक्ट्स हो गए, उसकी यूजिबिलिटी हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गए, एनिमल्स। एनिमल्स भी हमारे लिए क्या हुए, एक रिसोर्स का काम कर रहे हैं। तो अगेन ये भी क्या हो गए, हमारे लिए एनिमल्स भी रिसोर्स हो गए। नेक्स्ट वाटर। वाटर क्या काम करता है, देखो भाई वाटर से तो काफ़ी सारी चीज़ें, हर चीज़ में पानी यूज आता है, बर्तन साफ करना है या फिर क्लोथ्स को वॉश करना है या फिर घर की सफाई करने के लिए या फिर सब्जी बनाने के लिए या फिर पीने के लिए, तो वाटर के तो बहुत सारे फॉर्म है। तो वाटर अगेन एक रिसोर्स हो गया। नेक्स्ट जो है हमारी वो है फिश। फिश के अंदर बच्चों क्या होता है, एक तो ये खाने के काम आती है, दूसरी चीज़ इसके अंदर होता है, इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोटीन्स होते हैं। अब ये प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, राइट। अब ये इसीलिए तो हम इनको लेते हैं, राइट, इसलिए तो लोग बाग खाते भी हैं इनको। तो ये जो एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन भी होता है, ओके। उसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो है हमारा बर्ड। अब देखो जो बर्ड है वो बर्ड क्या काम करती है, ये एग्रीकल्चर में इंसेक्ट्स को खाने का काम करती है। तो बर्ड भी एक इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ रिसोर्स है जो हमारे, पहले देखो अभी देखो एक लॉक्यूस अटैक हो रहा है। लॉक्यूस अटैक क्या है, टिड्डियों का अटैक, राइट। अभी जो टिड्डियाँ हैं वो क्या है, कहीं से आई हैं और हमारे प्लांट्स में से, हमारे जो एग्रीकल्चर है उसमें जितने भी क्रॉप्स जो उग रहे हैं उन पर हार्म करेंगी। उससे बचने के लिए पहले ही चीज़ें सुनने में नहीं आती थी, क्योंकि पहले क्या हुआ करती थी, हमारे पास छोटी छोटी बर्ड्स हुआ करती थी, ये बर्ड यह करती थी उनको खा लेती थी। लेकिन अब क्या है, ये खुद कम हो गए हैं, तो इसी वजह से ये जो अटैक्स हैं वो बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्री।
ट्री के तो बहुत सारे काम होते हैं। देखो आपकी पेंसिल किससे बनी है, फर्नीचर किससे बना है, सोफा, टेबल, चेयर, सब में क्या यूज़ आती है, जो हमारी वुड यूज़ आती है, राइट। आप लोग कोई हवन करा रहे हो तो वहाँ पर भी वुड काम आती है। तो ट्री क्या हो गया, अगेन एक सोर्स हो गया। और सबसे बड़ा सोर्स, सबसे बड़ा इसका जो हमारे पास सोर्स है या रिसोर्स है जो सबसे बड़ा है, वो क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें किससे मिलता है, प्लांट से ही तो मिलता है। सो यही तो कन्वर्ट करते हैं ना, यही तो देते हैं हमें ऑक्सीजन। तो बेसिक एक ये हो गया। आई होप आपको यहाँ तक सबको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम लोग आगे चलते आगे। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको सारे रिसोर्सेज दिख गए होंगे। फ्लावर्स हो गए, फ्लावर्स से आप क्राउन बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। देखो बेसिकली रिसोर्स है क्या, जो हमारे ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग हमने उसको चेंज कर लिया और हम उसे यूज़ कर रहे हैं। लाइक प्लांट हो गया, ट्री हो गया। ट्री अगेन मैंने आप लोगों को बताया काफ़ी सारी जगहों पर काम आता है, राइट। तो इसीलिए वहाँ से एक टर्म निकल कर आता है बच्चों, यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी क्या होता है, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट अ रिसोर्स। एक ऑब्जेक्ट को रिसोर्स में बदलने का काम जो करता है वो हमारा कौन करता है, यूजेबिलिटी करती है। यूजेबिलिटी का सेंस वही है, ओके। जो यूजेबिलिटी है, अब मैंने जैसे आपको बताया अभी कि एक प्लांट है, एक ट्री है, सॉरी जो ट्री है इसमें, इससे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बना ली। तो अब ये जो चीज़ें बनी हैं ये क्या बन गई, ये मेरे लिए तो रिसोर्स हो गई ना, क्योंकि मैं इनको यूज़ कर रही हूँ, राइट। तो यही क्या हो गई, हमारी यूजेबिलिटी हो गई। नेक्स्ट क्या है इसमें, वैल्यू। अब हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो ये जो यूज़ करने वाली जो चीज़ें हैं उसके लिए हम, अब जैसे पेंसिल है, पेंसिल लेने आप मार्केट में जाते हो तो वो फ्री में थोड़े ना आता है, उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है, राइट। अब ये जो पे करना पड़ता है यही क्या हो गई, उसकी वैल्यू हो गई। वैल्यू का मतलब क्या है, वैल्यू मीन्स वर्थ, कुछ अमाउंट, ठीक है। तो ये हो गया, आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होगा। एक बार मैं समराइज कर देती हूँ एक बार छोटे से फॉर्म में कि रिसोर्सेज हैं क्या। रिसोर्सेज वो होते हैं जो ह्यूमन नीड के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूजेबिलिटी क्या है, यूजेबिलिटी क्या होती है, ये जो एक ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर दे, एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर दे और लोग उसको यूज़ कर सकें। और उसी यूजेबिलिटी के लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है जिसको हम वैल्यू बोलते हैं। सो सिंपल वर्ड्स में वैल्यू मीन्स वर्थ। नेक्स्ट, अब देखो टाइम और टेक्नोलॉजी को जब हम कन्वर्ट करते, टाइम और टेक्नोलॉजी में हम किसी भी सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो वो ही हमारे लिए एक रिसोर्स बनकर निकलता है। देखो यहाँ पर, देखो सबसे पहले क्या था, यहाँ पर सोचो, यहाँ पर ये ऐसा तो नहीं है कि ये अपने आप खुद से शुरू हो गया। इस वाले डायग्राम में, पोस्ट वाले में, तो इसमें क्या था, पहले लोग काम करते थे, लोगों को सामान उठा के ले जाना पड़ता था, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। कभी कोई बीमार हो गया या कुछ हो गया तो उसकी वजह से ये और ज़्यादा डिले हो जाता था। लेकिन जब से मशीन आई, इसने क्या करा, लोगों ने क्या करा कि मशीन बनाई। अब ये मशीन क्या कर रही है, खुद इसको उठा के रख रही है। तो ये एक बार में काफ़ी सारे डब्बों को एक साथ उठा के एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर रख देगी। तो इससे क्या बचा, हमारा टाइम बच गया और ये हमारे लिए क्या काम आ गया, एज अ रिसोर्स काम आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक टेलीस्कोप है, ये लड़का क्या कर रहा है, उसको उससे देख रहा है। अब ये टेलीस्कोप मेनली किस लिए बनाया गया था, ताकि हम दूर की चीजों को आराम से क्लियरली और देख सकें और पैटर्न्स को पता लगा सकें, राइट। तो इन्हीं, ये बेसिकली क्या हो गए, ये वो टेक्नोलॉजीज हो गई जिनको टाइम, मतलब जिनको, जिनके ऊपर हमने क्या किया, टाइम लगाया, सोचा और उसके बाद हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, रिसोर्स में कन्वर्ट कर लिया। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर एक बॉय है जो इसके बारे में सोच रहा है। आप लोगों ने अब तक, मैंने आपको रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया, लेकिन क्या आप लोगों ने एक चीज़ सोचा, क्या हम लोग भी कोई रिसोर्स हैं? सो इज ह्यूमन अ रिसोर्स? ये एक कन्फ्यूजन था, ठीक है। इसके बारे में काफ़ी सोचा गया, मैंने भी काफ़ी सोचा, सबने सोचा, ठीक है, कि रिसोर्स ह्यूमन क्या एक रिसोर्स हो सकता है। फिर सोचो तो देखा कि भाई क्या ह्यूमन कोई काम करता है जो दूसरों के काम आता है? तो यस, ह्यूमन एक रिसोर्स है। कैसे? अगर आप अपने टैलेंट को आगे सर्व कर रहे हो, आपके टैलेंट की वजह से आगे कोई कंपनी है जो प्रोसीड कर रही है, बढ़ रही है आगे। अकेला आदमी तो कंपनी नहीं चला सकता ना, उसके लिए उसको टीम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ से वो लोग क्या निकल कर आते हैं, क्या होता है, वहाँ से जो चीज़ें होती हैं वो अच्छे से निकल कर आती हैं। और यही चीज़ जो हम सामने वाले को कर दे रहे हैं और उसके बदले में वो हमें पैसे दे रहा है, राइट। फ्री में कभी काम नहीं करता, आप लोगों को उसके लिए कुछ पैसा मिलता है, वैल्यू मिलती है, वर्थ मिलती है। और इसीलिए ह्यूमन भी क्या है, एक रिसोर्स है। और ह्यूमंस के पास एडवांटेज किसका है कि ह्यूमन अपने आइडियाज़ को सोच सकते हैं, ह्यूमन सोच सकता है, राइट। तो वो आइडियाज़ को अपने दिमाग में डाल सकता है, उसके बाद वो क्या करता है, उनसे ही, उन आइडियाज़ से कुछ ना कुछ डिस्कवरीज होती हैं,
लाइक जैसे आइंस्टीन एक पेड़ के नीचे सो रहा था राइट, तो उसके ऊपर क्या हुआ, एक सेब आके गिरा, तो उसने सोचा कि ये नीचे आके ही क्यों गिरा, उसका सिर्फ इतना सा सोचना हुआ और एक डिस्कवरी हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स की। और ऑब्वियसली बात है नॉलेज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक टॉपिक कम से कम अगर आपको आता है तभी आप उस चीज़ के को आगे डिलीवर कर सकते हो। सेम चीज़ है, अगर मुझे ये टॉपिक आता है तो ही मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, अदरवाइज मैं आपको ये नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। नॉलेज भी क्या है, एक बेसिक एलिमेंट है। इन लास्ट में आप लोगों का क्या निकल कर आता है, इन्वेंशंस होती हैं। अभी इन्वेंशंस ही तो हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गए, काफ़ी सारी ऐसे प्रिंसिपल्स हो गए, लॉज हो गए, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जूम ऐप हो गया, जूम ऐप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि एक साथ काफ़ी सारे लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी तो है जिसकी ज़रूरत पड़ी तब लोगों ने सोचा कि यार हम लोग एक एक जने को वीडियो कॉल कर करके बात करते हैं, क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए कि एक साथ बहुत सारे लोग उस पर कॉलिंग कर सकें। तो ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो ह्यूमन सोचता है, फिर उसके बारे में रिसर्च करता है और देन लास्ट में क्या करता है, एक इन्वेंशन होके निकल के बाहर आती है। सो ये जो था रिसोर्सेज के बाद, नेक्स्ट जो है अगली स्लाइड में पढ़ेंगे और वहाँ पर हम चीज़ों को और देखेंगे कि रिसोर्सेज में इकोसिस्टम और रह गया है आप लोगों का, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर कर दूंगी। टिल आप लोग इसको एक बार वापस देख लीजिएगा और कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर।